हेलो, प्लांट लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब इसका नाम फ्लावर डेक रख दिया है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को गुलाब के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। ये मेरा बेल गुलाब है। ये देखिए, इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स भी बहुत आ रही है। तो आप लोग भी जानना चाहेंगे कि ये किस वजह से इतनी फ्लावरिंग हो रही है मेरे गुलाब के अंदर, और बहुत सारी कलियाँ भी आ रही है। देखो कितनी कलियाँ आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कि मैंने इसके साथ क्या किया। तो इतने सारे मेरे साथ फ्लावरिंग इसकी आ रही है और नई नई कलियाँ इसके अंदर हो रही है। तो मैंने इसकी, जब मैं नर्सरी से ये पौधा लेकर के आई थी, तो मैंने इसको ये 12 इंची गमले में लगाया है और इसकी मिट्टी मैंने वेल ड्रेन तैयार की है। इसके अंदर मैंने एक भाग वर्मी कंपोस्ट डाला है, मिट्टी डाली है, रेती डाली है और थोड़ा सा गोबर का खाद भी डाला है, जो कि ये आप लोगों को यहाँ पे ये नज़र भी आएगा। ये देखिए, दिख रहा है काला काला, ये गोबर का खाद है। तो इस तरह से मैंने इसमें डाला है। उसके बाद में फिर जब ये सेट हो गया मेरा पौधा, उसके बाद में फिर मैंने इसके अंदर बोन मील डाला और थोड़ा DAP डाला है। DAP के दाने तो मैं हर 15 दिन में डाल देती हूँ, और बनाना फील फर्टिलाइजर जो मैंने बनाया था लिक्विड, वो भी मैं इसमें डालती रहती हूँ। और पटेटो बॉईल करने के बाद में जो लिक्विड रहता है, जो उसका पानी बचता है बॉईल करने के बाद में, वो पानी भी मैं इसमें डालती रहती हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो मैं हमेशा डालती रहती हूँ इसके अंदर। तो इस तरह से फिर ये मेरा, देखिए आपके सामने रिजल्ट है। फंगीसाइड डालती हूँ और नीम ऑयल का स्प्रे भी करती रहती हूँ, ताकि इसके अंदर कोई भी एफिड अटैक नहीं हो सके। तो इस तरह से मेरा गुलाब का पौधा बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है इस टाइम पे। और इसके अंदर देखो नए नए फुटाव भी आ रहे हैं और इसमें कलियां भी बनने लगी है। अब ये देखो, आप लोगों को दिख रही होगी छोटी छोटी कलियां इसके अंदर, दिख रही है? ये दिख रही है ना? तो इस तरह से छोटी छोटी कलियां बन रही है, नए फुटाव भी आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये पौधा बहुत हेल्दी है मेरे लिए। ये देखिए कितनी शाइनिंग है इसके पत्तों में। इसी तरह से मैं आप लोगों को मेरा दूसरा पौधा बताती हूँ। ये भी गुलाब का है। मेरे पास बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं और इसमें भी देखो नए नए सूट्स आ रहे हैं। इसकी मिट्टी भी मैंने इसी तरह से तैयार करी थी। इसके अंदर फूल आ रहे थे जो स्पेंड हो गए, तो मैंने उनकी कटिंग कर दी। तो पुराने फूलों को आप ज़रूर काट दिया करें, और उसको जब मुरझाने लग जाए फूल, तो आप उसको फिर उसके नीचे से काट दें। और काटने के बाद में चाहे तो आप उसके ऊपर ये जो पॉइंट रहता है, इस पर फंगीसाइड लगा दें, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसा नहीं हो कि आपकी पौधा वहाँ से टाइबैक होने लग जाए। कटिंग करते रहे उसकी, थोड़ी सी थोड़ा सा भी काला पोर्शन दिखे तो उसको काट दें। और इसकी भी मिट्टी मैंने वैसी बनाई है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि गुलाब के पौधे को सफाई बहुत पसंद है। तो इसके अंदर अगर कोई चीज़ घास फूस या कोई वीड्स लगे रहते हैं, तो उसको हटा देना चाहिए। जैसे ये वीड्स मेरे इसमें लग रहा है, तो मैं इसको हटा दूँगी इस तरह से। और ये जैसे सूखे फूल इसके अंदर आप फेंक देते हैं, वो भी इसमें हटा दें। तो इसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। और इसमें कीड़ा नहीं लगे गुलाब में, इसलिए मैंने इसके अंदर लहसुन लगा रखा है। तो मेरे हर गुलाब के अंदर आपको लहसुन नज़र आएगा। तो ये देखिए, मैंने लहसुन बो रखे इसके अंदर। सर्दियों में तो आप ये कर सकते हैं, इसके अंदर लहसुन लगा दें तो ये कीड़े लगने का डर इसमें कम होता है। ये देखिए, इसमें भी मैंने लगा रखा है। ये मेरा एक और गुलाब का पौधा है। तो ये देखिए, इसमें ये जाले की प्रॉब्लम हो गई है, मकड़ी नहीं, ये पंख लगा हुआ है किसी का। मैंने सोचा जाले लग गए। तो ये भी देखो कितना अच्छा फुटाव दे रहा है ना। अभी थोड़े दिनों के अंदर इसमें भी फ्लावरिंग चालू हो जाएगी। ये देखिए, अब आपको मैं एक बात और बताऊं कि गुलाब आपका कब ख़राब हो जाता है।
कि जब गुलाब देखो ये है होती है गुलाब के अंदर ये ग्राफ्टेड गुलाब है। देसी गुलाब होते हैं वो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये जो ग्राफ्टिंग करे हुए गुलाब होते हैं ये वो गुलाब है मेरे पास में। तो इसकी यहाँ से ग्राफ्टिंग हो रखी है, ये यहाँ से ग्राफ्टिंग हो रखी है, और यहाँ से जो भी शूट्स निकलेंगे उसको आपको रखना। और अगर इस पोर्शन से नीचे जो सूट निकलता है जैसे यहाँ से निकल जाए या यहाँ से निकल जाए तो उसे आपको हटा देना। अभी मेरे गुलाब में तो नहीं है ये चीज़, नहीं तो मैं आपको बताती। तो ये देखो इसी ग्राफ्टिंग वाले पोर्शन में से सारी ब्रांचेस निकली हुई है, देखो ये भी और इधर भी, ये भी आपको दिख रही होगी। आई होप मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ कि ये भी आप लोगों को दिख रही होगी, ये सारी है ना। और ये जो है ये इसका ग्राफ्टिंग पोर्शन है, इसके अंदर इसको ग्राफ्ट किया गया है। तो इस पोर्शन के नीचे से अगर कोई ब्रांच निकलती है तो मैं उसे हटा दूंगी, क्योंकि वो गुलाब अगर उग गया यहाँ से जो उगने लग जाएगा तो फिर इसमें फूल नहीं आएंगे, ये जो ग्राफ्ट के करा हुआ इसमें फूल नहीं आएंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है, आप लोग इसका बहुत ध्यान रखें, नहीं तो आपका अच्छा भला पौधा ख़राब हो जाएगा और मर जाएगा। पहले मेरे को भी नॉलेज नहीं थी तो मैं भी रख लिया करती थी कि नए सूट्स आ रहे हैं मेरे गुलाब में, लेकिन फिर मेरे को समझ आ गई तो अब मैं उनको हटा देती हूँ। मैं दूसरे गुलाब में अगर आपको बताऊँ तो देखिए इसके अंदर भी ये है ग्राफ्टिंग पोर्शन, ये दिख रहा है, ये कलम इन्होंने लगाई है उसके अंदर, यहाँ पे यहाँ से ग्राफ्ट किया है। अब ये जो शूट्स आ रहा है ये फुटाओ तो ये ग्राफ्टिंग पोर्शन में से आ रहा है, तो इसे तो मैं रहने दूंगी। अगर ये नीचे से, ये देखो थोड़ा मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, नहीं है इसमें नीचे। अब इसके जो नीचे से आने लगेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर गुलाब में कोई भी शूट्स निकलता है या इस तरह का फुटाव निकलता है तो उसको आपको तोड़ देना है, हटा देना है। अब वो कई बार यहाँ से भी निकल जाता है, कई बार यहाँ से भी निकल जाता है, और कई बार यहाँ ऊपर से भी निकल जाता है, तो उसे आपको हटा देना है ग्राफ्टिंग के नीचे से। ये ग्राफ्टिंग है इसके नीचे से, ये अगर आप हटा दोगे तो आपका ये वाला पौधा जो आपका ग्राफ्ट किया हुआ है वो अच्छे तरह से चलेगा, वो मरेगा नहीं। और अगर आपने इसके नीचे से बढ़ने दिया पौधे को, जो फुटाव है उसको चलने दिया, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है जो ग्राफ्ट किया हुआ है ये धीरे धीरे मर जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि उसके अंदर फूल क्यों नहीं आ रहा है, फूल इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि ग्राफ्टिंग जो करी हुई थी वो तो मर गई, और जो आपका पौधा जंगली हो गया, जो नीचे से फूटा वो पौधा आपका जंगली हो गया, तो वो पौधे में फूल कभी भी नहीं आएंगे चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गुलाब के अंदर ख़ास तौर पे, कि नीचे से जो सूट निकलता है उसको हटा देना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी गुलाब के बारे में। इसके अंदर भी देखो ये जहाँ से ग्राफ्टिंग हो रही है वहीं पर से सूट निकल रहा है, और इसके नीचे से मेरा एक भी सूट नहीं है। मैं हमेशा हटा देती हूँ, थोड़ा सा छोटा सा निकलता है और मैं उसे हटा देती हूँ, तो मेरे पौधे इस तरह से अच्छी तरह से चल रहे हैं। और इसके अंदर आप बोन मील और डीएपी डालते रहें 15-15 दिन के अंदर, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। गर्मियों में मार्च अप्रैल तक आप इसमें खाद डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने गुलाब के बारे में जो मुझे पता थी नॉलेज वो मैंने आप लोगों को बता दी है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो मैं भी चाहूँगी कि आप लोगों के घर में इसी तरह से गुलाब के पौधे लगें और आप लोग के घर में भी खूबसूरती हो गुलाब से। तो अगर ये मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखते रहें। तो ठीक है, फिर किसी और जानकारी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।